राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मेरी तबीयत ना मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर है। लेकिन आज है हल्दी का फंक्शन, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। वैसे मैंने दवाइयाँ खा ली है और मैंने ना येलो सूट पहना है और ठंड सी लग रही है, इसलिए मैंने स्टॉल पहन लिया ऊपर से। तो मैं अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ एक बार आपको। तो मैंने पहना ये वाला, वैसे गाउन ही है ये, बिल्कुल सिंपल और प्लेन। तो ये मैंने पहना है और ऊपर से पहन लिया स्टॉल, क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही है। हालांकि तबीयत ऐसी लग रही है कि फीवर है और दवाइयाँ तो खा ली है, लेकिन सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा है मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ हल्दी के फंक्शन में। मैंने सिंपल एक एक येलो कड़ा पहना है। तो ये सब था और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे सुबह सुबह जॉब पे भी जाना पड़ता है। सॉरी, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। तो मुझे जॉब पे भी जाना पड़ता है और आने के बाद आज था हल्दी का फंक्शन, तो ये अटेंड करना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे, तो वहाँ का भी मैं आपको दिखा दूँगी, वहाँ की वीडियो भी थोड़ी बहुत शूट करके। तो चलिए अभी चलते हैं चाची के घर पर। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैंने लगाई शगुन की मेहंदी, क्योंकि सबने मेहंदी लगा ली थी, बस मैं ही बची हुई थी। तो मेहंदी और हल्दी दोनों का फंक्शन एक साथ ही हो गया। और फिर बच्चे डांस कर रहे थे, तो ये एक यश है और एक बनी है जो दीदी का लड़का है, तो ये दोनों आपस में डांस कर रहे थे। उसके बाद सभी ने मिलकर बहुत ही डांस किया और मम्मी भी बैठे बैठे डांस कर रही थी। हम सब पिक ले रहे थे और भैया के साथ भी पिक ली दीदी ने। सबसे पहले तो दीदी ने ही हल्दी लगाई भैया को। मैं और एनी अभी पिक ले रहे थे और मैंने फूलों वाली ज्वेलरी नहीं पहनी, क्योंकि मैं एक भी फंक्शन में लेके ही नहीं आई फूलों की ज्वेलरी, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए ही आना था और सिंपल सूट पहन रखा है, इसलिए मैंने ये सब ज्वेलरी भी नहीं लगाई। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे टीका पहना दिया। और उसके बाद हमने थोड़ा डांस किया, फिर भैया ने भी साथ में डांस किया। और ये थी हल्दी वाली डेकोरेशन जो पीछे मैंने आपको दिखाई है। और जो ये भैया है, इनकी हल्दी है, इन्हीं की शादी है। तो अब मैंने हल्दी लगाई भैया को और मैं कह रही वीडियो ज़रूर शूट करना, क्योंकि भैया को दिखाना है मुझे। और सिर्फ हम शगुन की ही हल्दी लगा रहे थे, क्योंकि आजकल ना हल्दी लगाते हैं, बस शगुन की लगाते हैं, बाकी सब पार्लर में ही हो जाता है सारा काम। और फिर दीदी ने, गुड्डू दीदी ने, सबने ही हल्दी लगाई, सॉरी। और अब थी हमारी डांस की बारी, तो सबने बहुत डांस किया मिल करके, और भैया के साथ भी डांस किया, दीदी के साथ भी। और भैया इतनी मस्ती कर रहे थे ना, डांस कर कर के भी बहुत मस्ती, बहुत हंसाया इन्होंने हमें। तो हम सब डांस कर रहे थे और साथ साथ वीडियो बना रहे थे, पिक ले रहे थे, तो बहुत मज़े किए हमने हल्दी के फंक्शन में। और कल फिर चाक का भी फंक्शन है, तो मैं इसी में ही वो वीडियो ऐड कर रही हूँ, तो वो भी आप आगे देख लेना। और चाची हैं ये, चाची और यश दोनों मस्ती कर रहे थे। फिर एनी ने और मम्मी ने डांस किया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ना धर्मश्री भी आ गए थे, तो हमने सबने ना बहुत ही डांस किया। आपको बताया था ना कि मेरा डांस करना मना है, लेकिन फिर भी मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने थोड़ा थोड़ा डांस किया। हालांकि ज़्यादा नहीं कर रही थी मैं, सिर्फ वीडियो में आने के लिए ही थोड़ा थोड़ा कर रही थी। बाकी थोड़ा बहुत, मतलब रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है जब सब डांस करते रहो और अकेला बच्चा नहीं बंदा खड़ा रहे, तो थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद फिर सबने बहुत मस्ती की। अब धर्मश्री के साथ डांस कर रहे थे हम लोग, ये भी आ गए थे। और ये थी हल्दी की रस्म, जिसमें हमने बहुत ही मस्ती की, बहुत डांस किया। और कल है चाक पूजन, तो वो भी वीडियो मैंने अभी ऐड कर दी है। तो स्कूल से आने के बाद मैंने फटाफट से साड़ी पहनी, क्योंकि ये लोग सब रेडी थे चाक पूजन जाने के लिए। तो मैंने फटाफट से
साड़ी पहनी, रेडी हुई तो आ गए, और ढोल बज रहा था तो हमने सबने फिर से डांस किया। तो डांस करने के लिए तो हम हमेशा ही रेडी रहते हैं, लेकिन मैं बहुत कम डांस कर रही थी। ये दीदी ने और सीमा दीदी ने दोनों ने ही डांस किया, तो ये दोनों ही नंदे हैं मेरी। तो फिर इन्होंने डांस किया, उसके बाद हमने भी डांस किया, तो सबने बहुत मस्ती की चाक पूजन पे भी। तो वो वीडियो भी मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ, और वैसे मैंने दिखा भी रखा है कि हम लोग चाक पूजन कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो जो लोग मिट्टी के वो बर्तन वगैरह बनाते हैं ना कुम्हार, उनके घर जाना पड़ता है चाक पूजन करने के लिए, तो हम वहीं गए थे। और ये सारी लेडीजें जितनी भी हम थे, हमने सबने थोड़ी वीडियो शूट की, बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए। तो यही कुछ दिन होते हैं जो फंक्शन के सब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं और खूब सारी मस्ती होती है। तो सारा काम बहुत ही अच्छे से हुआ, और अब हम पहुंच गए चाक पूजन वाली जगह पे जहाँ पे हमें चाक पूजन करना था। तो यहाँ पे हमने किया चाक पूजन, मतलब चाची ने और मम्मी ने सबने मिलके, और मेरा और रैनी का तो फोटो का ही था। हम लोग फोटो क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, ये सब हमने किया। और हमारा जो फेवरेट सीन था वो ये था कि हमें सर पे ये मटकी रखनी थी छोटी वाली जो स्टील की होती है, क्योंकि बड़ी वाली मटकी तो दीदी और ये सब लेके आएंगी। और सीमा दीदी ने थोड़ा पफ वगैरह बना रखा था, हेयर स्टाइल अलग था, तो उनको ले जाने में दिक्कत हो रही थी, तो नीलम दीदी ने ये ले लिया था और फिर वो लेकर गई, और आगे जाके फिर सीमा दीदी ने ले लिया। तो ऐसे ही मस्ती करते करते ये हुआ चाक पूजन, और अब हम जा रहे थे वापस घर चाक पूजन करके। तो देखिए ये सब मटकियाँ लेके जा रहे हैं, और हम अपने डांस करते करते ही जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बार घर भी दिखा देती हूँ, सारा घर लाइटिंग से जगमगा रहा है, सब जगह लाइट लगवा रखी है। और देखिए ये आ गए हैं हम, और जो मटकी लेके आते हैं ना, मतलब उनके हस्बैंड मतलब हमारे जीजू, वो मटकी उतारते हैं। तो अब जीजू भी आ गए थे और उन्होंने उतारी सीमा दीदी के सर से मटकी, तो अब यही ले जाकर रखेंगे अंदर जहाँ पे देव वगैरह पूजन करते हैं ना वहाँ पे। तो ये किया हमने ऐसे चाक पूजन का फंक्शन। और फिर थी भात की बारी, क्योंकि मामा जी वगैरह भात के लिए भी आ गए थे, तो हम सारी लेडीजें फिर से चल दिए भात लेने के लिए। और बुआ जी वगैरह गीत वगैरह गा रही थी, और उनको फिर पानी पिलाया, और फिर सब साथ में घर पे आ गए डांस करते हुए। कल की है शादी, तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, और ये भी जरूर देखना। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब बाय बाय।